जयपुर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है गलता पीठ। ये पुरातन काल से आस्था का धाम कहा जाता है। इस कारण हमेशा ही विदेशी सैलानियों का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। कार्तिक और श्रावण मास में यहाँ विशेष मेले भी भरते हैं, जिसमें देश और विदेश के सैलानी दर्शन करने मन्नतें मांगते दिखाई देते हैं। खास बात यह है कि बंदरों की अधिकता के कारण गलता पीठ को मंकी टेम्पल के नाम से ख्याति प्राप्त है। इसके बावजूद यहाँ फैली गंदगी और अव्यवस्था में सुधार के लिए जिम्मेदारों ने आंखें मूंद रखी है। अरावली के पहाड़ियों के बीच बगीचों में मंदिर मंडप और पवित्र कुंड के साथ छाई हरियाली हर किसी का मन आनंद से भर देती है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य इस स्थल को मनोहारी बनाते हैं। दीवान कृपाराम की ओर से निर्मित उच्चतम चोटी के शिखर पर बना सूर्य देवता का छोटा सा मंदिर शहर भर से दिखता है। ऐसे में अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच मौजूद मंदिर की सुंदरता अनुपम है। यहाँ आकर सैलानी का मन आनंद से भर जाता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की सुंदरता पर यहाँ फैली तमाम तरह की गंदगी ग्रहण लगाने का काम कर रही है। गलता पीठ के हालात जानने के लिए सच बेधड़क की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो नजारा कुछ और ही दिखा। चारों तरफ गंदगी का ढेर था। आने वाले देशों विदेशी सैलानियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी जयपुर का हेरिटेज निगम प्रशासन और मंदिर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं, लेकिन इसके बावजूद विदेशी सैलानी अपने कैमरे में यहाँ की सुंदरता तो कैद करते हैं, लेकिन साथ ही कैद होती है यहाँ फैली गंदगी की तस्वीरें, जो निगम प्रशासन के दावे को फेल करती है। सच बेधड़क की टीम यहाँ की पड़ताल में जगह जगह पर गंदगी का अंबार ही दिखा। साथ ही साधु संतों के छतरियों पर लोगों ने अपने नाम लिख कर दीवारों को गंदा किया है। यहाँ की छतरियाँ भी देख रेख के अभाव में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। स्नान करने के लिए बने पवित्र कुंड भी गंदगी से अटा पड़ा है। और इस बीच हमारी टीम ने यहाँ पहुँचे सैलानियों से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी यहाँ फैली गंदगी और अव्यवस्था की कहानी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थल गलता पीठ में। यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। गलता तीर्थ को मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, बाहर से घूमने के लिए आई हैं। उन लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें कैसा लगा गलता जी, उन्होंने यहाँ पर क्या अच्छा देखा। अरविंद जी, आप पहली बार आए हो गलता जी? हाँ, पहली बार आए हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ हमें यहाँ पर आके। और ये जो चारों तरफ आपने देखी व्यवस्था, गंदगी भी हो रखी है यहाँ पे, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, थोड़ी सी अगर साफ सफाई रखें प्रशासन, थोड़ी सी साफ सफाई रखें तो थोड़ा और अच्छा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि पर्यटक भी आते हैं। गलता पीठ में दर्शन करने आए लोगों ने कहा कि ये ऐतिहासिक स्थल है, अच्छे तरीके से सुंदर बना है, लेकिन सरकार और मंदिर प्रशासन की ओर से अगर थोड़ी साफ सफाई की जाए तो स्थान बेहद रमणीय बन सकता है। कैसा लगा आपको यहाँ गलता पीठ? वैसे ये काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ है, बहुत अच्छी जगह है और पर्यटन को भी बढ़ावा देने वाली चीज़ है। लेकिन यहाँ के आसपास आप देख रहे हो जैसे गंदगी है बहुत सारी, ये भी साफ हो जानी चाहिए। और यहाँ पे कनेक्टिविटी थोड़ी कम है व्हीकल्स की। जी जी। और आप अंदर कुंड भी देखा है आपने, जो अंदर कुंड था, वहाँ पे कैसे क्या व्यवस्था थी? कुंड में बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उसकी भी अगर थोड़ी बहुत सफाई हो जाए तो बहुत बहुत अच्छी चीज। जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गलता पीठ में फैली गंदगी को लेकर जब हमने पीठाधीश्वर महंत अवधेशाचार्य महाराज से बातचीत की, तो एक बार तो महंत ने कहा कि यहाँ पर आने वाले लोग ही यहाँ गंदगी फैलाते हैं। साथ ही दावा किया कि हमने दो कमेटियों का गठन किया है, इसमें शामिल कार्यकर्ता सफाई व्यवस्था पर ध्यान देते हैं। महंत अवधेशाचार्य के माने तो नगर निगम प्रशासन का भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं, जबकि मंदिर प्रशासन ने निगम प्रशासन को कई बार लिखित में शिकायत की है। मैं जैसे भारतवर्ष के अनेक तीर्थ स्थलों में भ्रमण करता रहा हूँ, यहाँ तो है ही ज्ञात हो चूँकि सारा प्रबंधन पीठ के अधीन है, तो यहाँ जो मेरे को व्यक्तिशः जो समस्याएं देखनी पड़ रही हैं, पर सभी जगह ऐसा है लोग जाते हैं वहाँ गंदगी करते हैं, अपना जो भी सामान ले जाते हैं वहाँ छोड़ देते हैं, और वहाँ का जो भी प्रबंधन है वो उसको उसकी व्यवस्था करने में ही उलझा रहता है। कि यहाँ कई बार मैंने प्रयास किया, लिखित पत्र भी दिए कि यहाँ इतने सारे लोगों का आवागमन होता है, लाखों लोग तीर्थ कैसे करने के लिए कभी कभी पर्वों पर आते हैं, तो यह साफ़ सफाई का उचित इंतजाम किया जाना चाहिए। जनता यहाँ आती है, जहाँ तक हमारा नित्य प्रति का वो तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जहाँ इतनी संख्या में लोग आते हैं वहाँ कुछ सरकार की तरफ से, निगम की तरफ से सहयोग होना चाहिए। तो
अनेक बार लिखने के बाद भी आज तक यहाँ वो जो कचरा एकत्रित करने वाली गाड़ी है जिसको ऊपर कहते हैं वो तक नहीं आती यहाँ पर। और जो है यहाँ तक मैंने लिखा कि भाई सप्ताह में दो बार ही कोई पार्टी भेज करके इसकी सफाई करवाएं, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वर्षों से ये प्रयास मेरा चल रहा है लेकिन आज तक यहाँ साफ सफाई के लिए निगम की ओर से कोई सहयोग नहीं है। महंत ने ये भी बताया कि स्थानीय पार्षद को अपने कार्य क्षेत्र और अधिकार का ज्ञान ही नहीं, लेकिन अवधेशाचार्य महाराज ने कहा कि यहाँ आने वालों से साफ सफाई की अपील की गई है, इससे गलतापीठ प्रसिद्ध आस्था के धाम के रूप में अपनी पहचान बनाए रखे। कई बार निगम से भी जानने की कोशिश की कि वस्तुतः गलता जी किस वार्ड में आता है, और जो आसपास के जो वार्ड लगते हैं यहाँ 99 है, 100 है, इधर शहर की तरफ के भी कुछ वार्ड हैं, तो वो सब ये कहते हैं अब गलता जी हमारे क्षेत्र में आता है, हमारे क्षेत्र में आता है। फिर जब मैंने जानने की कोशिश की आखिरकार ये आता किस वार्ड में है, मतलब अगर 4-5 थोड़ी वार्ड हो सकते हैं इसके, तो कोई सही स्थिति बताने को तैयार नहीं कि इसका वार्ड कौन सा है। देखिए ये तो बात सही है, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि एक पवित्र स्थान की पवित्रता बनाए रखना ही उचित है, यही धर्म भी है, यही सनातन का ये शिक्षा भी है। हमारा शास्त्र भी ये कहता है कि तीर्थों का सेवन, तीर्थ को एक पवित्र स्थल जान करके उसका सेवन करना, यही एक सनातनी व्यक्ति का कर्तव्य है। तो यहाँ जब भी वो आए तो इसकी जो भी यहाँ मर्यादाएँ जो यहाँ बनी हुई हैं उसका पालन करना ही वो श्रेष्ठ है। कदाचित लोगों में ये चिंतन आ जाए कि वहाँ जाकर के ऐसा करना ये एक तरह से दोष है, अपराध है, वहाँ उस तीर्थ का अपराध है, वहाँ उस तीर्थ के प्रति उनकी पवित्रता को बनाए रखना ही मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। गलतापीठ की छवि और उसमें सुधार के लिए निगम प्रशासन का दायित्व है और ये निगम के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। हेरिटेज निगम के मेयर मुनेश गुर्जर ने भी गलता तीर्थ में सफाई कराने का आश्वासन दिया, साथ ही सच बेधड़क के माध्यम से जयपुर के साथ गलता पीठ जैसे धार्मिक स्थलों को स्वच्छ बनाने की अपील की है। हमारे संज्ञान में लेके आए हैं क्योंकि हम नगर निगम में, नगर निगम का काम है हर जनता तक सुविधाओं को पहुंचाना, तो इसकी हम समय समय पे जैसे हमें सूचना मिलती है हमारे संसाधन भेजते हैं। अभी आप संज्ञान में लेके आए तो दोबारा संसाधन भेज दिए जाएंगे और सफाई व्यवस्था हो जाएगी। अभी आप संज्ञान में लेके आए तो कल हमारे यहाँ से संसाधन सारे चले जाएंगे। अब जनता से भी मैं अपील यही करूँगी कि आप देखिए फॉरेन में भी आप जाएंगे तो अपने पॉकेट में कचरा लेकर चलते हैं, वो लोग कहीं रोडों पर नहीं डालते हैं। ये हम आप का हमारे ऊपर एहसान होगा, मैं आपसे आपकी बहन आपकी बेटी समझकर निवेदन करना चाहूँगी कि जयपुर अपना शहर है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो हमारे सबके हैं, हम उन्हें साफ सुथरा रखें और इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि जनता ही है जो इसमें अहम भूमिका निभा सके। गुलाबी नगरी को देश और दुनिया में छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। यहाँ फैली पहाड़ियों में विशाल मंदिर फैले हैं जो आस्था की गंगा बहाते हैं। इसमें गलतापीठ सबसे अहम स्थान रखता है। बहरहाल पर्यटन के विकास के सिलसिले में गलतापीठ का धार्मिक महत्व बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना कि पवित्र धाम की ख्याति देश भर में फैली है। इतना बड़ा पीठ और इतना बड़ा तीर्थ स्थल, चारों तरफ लगा ये गंदगी का अंबार, गंदगी का ढेर, अपने आप में ये दर्शाता है कि मंदिर प्रशासन और जयपुर नगर निगम प्रशासन का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। देश और विदेश से आ रहे सैलानी यहाँ पर ये गंदगी की फोटो लेके जाते हैं, जब इसके वीडियो बना के वो अपने देश में और अपने लोगों को बताते हैं तो वो क्या सोचते होंगे हमारे इन तीर्थ स्थानों के बारे में। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं विशाल जोशी, सच बेधड़क, जयपुर।